हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। तो अभी जो है शाम के 6 बज रहे होंगे या फिर 6:30 बज रहे होंगे। तो आज जो है वो है 21 नवंबर। तो आज पड़ता है मेरा बर्थडे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मनाने वाले हैं, क्योंकि बड़े होने के बाद में ना वो मज़ा नहीं रहता है, मतलब बहुत ही सिंपल करते हैं। हाँ, बाबू का बर्थडे होता है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, और मेरे बर्थडे पे बाबू बहुत एक्साइटेड है। बच्चे हैं तो उन लोगों की खुशी के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर दो तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो खुशी मिलती है ये कि मुझे केक खाना है, मतलब उन्हें केक काटना, केक खाना, ये सारा चीज़ें जो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़े बहुत म्यूज़िक बजा दो तो डांस वांस कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो अभी जो है वो सब कुछ करने से पहले जो है चलते हैं किचन में, और थोड़ी बहुत जो कुकिंग है वो मैं सोच रही हूँ कि कर लूँ। उसके बाद में जो है बाद में पुड़िया वगैरह तलनी होगी तो वो बाद में तली जाएंगी। लेकिन उससे पहले हमने डिसाइड किया था कि सब्जी बनेगी, सेवई बनेगी और पूड़ी बनेगी, तो डिसाइड कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन आ गई है पनीर, तो हमने जो है वो सेवई को स्किप कर दिया है और पनीर बन जाएगी, रोटी बन जाएगी, चावल बन जाएगा, सॉरी पूरी बन जाएगी, रोटी नहीं। और बच्चों को भी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली जॉन को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है वो टाइम बहुत कम है और पनीर जो है वो बहुत लास्ट मोमेंट पे आया था, तो थोड़ा सा जल्दीबाजी में मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है पनीर को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, दूध भी उबल रही है और साथ में चाय भी पी रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मटर है उसको भी अच्छी तरह से धो लिया है। तो पनीर जो है वो मैंने ऐसे लंबे लंबे पीसेस करके उसको फ्राई कर लिया था और अभी जो है उसको कट कर रही हूँ। तो ये जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा इजी लगा मुझे, मेरी सिस्टर ने ये बताया कि ऐसे करके करोगी ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और ये बहुत अच्छा लगा, मतलब जल्दी हो गया। तो यहाँ पर जो है सारे मसाले हो रहे हैं रेडी, और मेरे घर का माहौल आप देख सकते हैं, पापा भी हैं, बच्चों के साथ लगे हैं और सब लोग एक साथ हैं। तो ऐसा कुछ होता है ना तो सब लोग एक साथ हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी तो डेली वाले डेली रूटीन में होते हैं, है ना। और म्यूज़िक भी लग गई है तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा डांस को इंजॉय कर रहे हैं, और मुझे भी आज कुकिंग करने में बोरियत नहीं लग रही है क्योंकि सब लोग हैं। नॉर्मली मैं किचन में शाम के टाइम पर तो बिल्कुल अकेली कुकिंग करती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलती है शादी के बाद में वो है बच्चों को देख करके। आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और अनवी सबसे ज़्यादा, वो जॉन को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के ले जा रही है डांस करने के लिए कि नहीं भैया चलो, नहीं भैया चलो। स्टार्टिंग में जब वो आई थी ना तो भैया नहीं बोल पाती थी, बट अभी वो भैया बोल लेते। ओके फ्रेंड्स, तो मैं रेडी हो गई हूँ, जस्ट सिंपल सा, और ये वाली साड़ी पहनी है, ये वाली सिंपल सी साड़ी पहनी है। और वहाँ पे पीछे जो है वो जॉन रेडी हो रहा है, आप देख सकते हैं, आप मम्मी रेडी कर रही हैं। और अनवी जो है कभी से परेशान है, ज़बरदस्ती इसको लेके जा रही है डांस करने के लिए, तो वो जो बाहर है वो रेडी कर रही है। अंदर ना दबाई मम्मी सर दबा, हाँ हाँ बाहरी। तो चलिए अभी जस्ट सिंपल सा ही करना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। और खाना जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, सिर्फ पूड़ियाँ तलनी है तो वो बाद में तली जाएगी। तो चलिए अभी चलते हैं और केक काट लेते हैं। तो पतिदेव ने अरेंजमेंट कर दी है केक की, और जॉन को देखिए चाकू लेके खड़ा है, और अनवी जो है वो उसको हटाती है अगर जॉन मेरे पास आता है, और अगर मैं अनवी को ले लेती हूँ तो देखिए जॉन गुस्सा होकर चला गया। तो यही सब कुछ चलता रहता है। उस बीच मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत फोटो क्लिक करवा लेती हूँ, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि बच्चों को केक में ज़्यादा इंटरेस्ट है।
और अभी देखिए चांदनी मतलब उनका यही है, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो अभी ये बोल रही हैं कि भाभी आप लगा लीजिए, थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। और मुझे भी लग रहा है कि चलो ठीक है, ज़्यादा बेटर लग रहा है लगाने से। और अनवी को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको ये हेयर बैंड चाहिए था। अभी देखिए वो फिंगर से दिखा रही है कि हाँ मुझे केक लेना है। तो चलिए मेरी पूरी फैमिली के साथ आप भी मेरे इस छोटे से बर्थडे सेलिब्रेशन को एंजॉय करिए। ये टू यू, और बच्चों के मूड का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। अभी अनवी कितनी खुश थी, लेकिन अभी देखिए वो एकदम से रो रही है। और मैंने सोचा कि उसके साथ मैं थोड़ा सा केक कटिंग करती हूँ, बट वो बिल्कुल भी नहीं आए। तो थोड़े बहुत फ़ोटो शूट करने के बाद में सारे बच्चे और बड़े भी लपट पड़े हैं केक पे। और अभी देखिए सब लोग केक इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हैं। अभी देखिए अनवी को नीचे रखा जा रहा है, बट वो भी नहीं आ रही, मतलब एक फ़ोटो भी क्लिक नहीं करवाया उसने। उसको अभी अपने पापा के साथ रहना है, क्योंकि उसका मूड बन चुका है पापा के साथ। तो अभी देखिए दोनों बच्चों का ये जो केक खाने का स्टाइल है ना, उसको हम लोग देख के अभी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, मतलब कृष्ण कन्हैया जैसे खाते थे ना माखन, वैसे ही सेम सिचुएशन अभी है हमारे घर पर। दोनों बच्चों को आप देखिए, बर्थडे सेलिब्रेशन तो हो गया, बच्चों का नाच गाना भी हो गया, डांस भी हो गया। तो चलिए अभी पेट पूजा कर लेते हैं। तो मैंने तो पनीर की सब्जी आपको दिखाई ही नहीं, मैं ये अक्सर भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है पापा को नहीं खाना था, क्योंकि वो बाहर से खा के आए थे। तो पतिदेव देवर जी खा रहे हैं, और अभी जो है मैं गई हूँ ड्रेस चेंज करने के लिए। तब तक दादी माँ लगी हैं किचन में, और जैसे ही मैं आऊँगी वैसे मैं उनको हटाने वाली हूँ। मत करो, छोड़ दो। और बच्चों की ये जो शरारतें हैं ना, बीच बीच में आना, आटा लेना, मम्मा ये बना दो, मम्मा छोटी सी रोटी सेक दो, वो मैं जॉन के बड़े होने पे बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मेरा बर्थडे मनेगा, तो सब कुछ जो है वो अर्जेंट बेसिस पे हुआ। तो जो था जैसा था सिंपल तरीके से था। तो अभी जो है मैं वो चेंज करने वाली हूँ, और मैंने ये वाली जल्दी से डाल दी थी। तो अभी जो है मैं जाऊंगी डिनर बनाने के लिए। अच्छे पूड़ियाँ तलनी है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और बाकी सब जो है वो लगे पड़े हैं केक खाने में। और बच्चों ने तो ढेर सारा डांस किया, लेकिन उस टाइम पे मैं कुकिंग कर रही थी, तो मैंने जो है वो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।